सभी को, मैं हूं ज्योति सिन्हा। हमारे चैनल एम्ब्रिड बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखने के लिए जो न्यूट्रीलाइट की तुलसी से चाय बना रही हूं। आइए जानिए इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली आज चाय बना रही हूं तुलसी की चाय। तो अगर आपके जैसे दिन भर में 4-5 बार तो चाय बना ही लेते हैं तो क्या होता है कि तुलसी के पत्ते खत्म हो जाते हैं, तो फिर सोचते हैं कि चाय हम कैसे बनाएं। तो आपको मैं बताती हूं न्यूट्रीलाइट का ये तुलसी है जिससे आप चाय जब चाहें तो बना सकते हैं। और ये एक गोली में 100 तुलसी के पत्ते के बराबर है ये गोली। आइए आज मैं चाय बना रही हूं न्यूट्रीलाइट की तुलसी से। 2 कप चाय बना रहे हैं, इसके लिए हमें गुड़ चाहिए और थोड़े से अदरक और नींबू और ये 6 से 7 काली मिर्च। सभी को मैं तैयार कर लेती हूँ कूट के। ये देखिए सभी को मैंने तैयार कर लिया, सभी को कूट ली हूँ और सभी को तैयार कर लिया। और ये देखिए अगर इसे गोली तो वैसे ही भी खा सकते हैं, जैसे कि मौसम चेंज हो रहे, सर्दी जुकाम जब लगने लगते हैं तो आप खाइए इसे, इससे ठीक हो जाते हैं आप सर्दी जुकाम भी। और ये देखिए इसकी मैं चाय बना रही हूँ कि इम्यूनिटी को मजबूत रखने के लिए। तो आइए चाय बनाना शुरू करते हैं। गैस पे एम्बेकिंग को चढ़ाए हैं और इसमें 2 कप पानी डालें। गैस को जलाते हैं और इसे बॉयल होने देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। न्यूट्रीलाइट की तुलसी है, देखिए इसकी गोलियां क्या होता है। अक्सर बहुत लोग इतने बड़े गोलियां हैं तो बोलते हैं कि हम खा नहीं पाएंगे, तो जितना आप इसे आप चाय बना के भी पी सकते हैं उतना ही इसमें भी है इम्यूनिटी बढ़ाने के, जितने आप वैसे खाते हैं गोली को। ये देखिए पानी बॉयल हो रहे हैं, अब इसमें मैं डालती हूँ, इसमें अदरक डाल दें, काली मिर्च को जो हमने कूटे हैं इसे डालेंगे और गुड़ को डाल देंगे। सभी को अच्छी तरह से बॉयल करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए बॉयल हो रहे हैं, अब जो ये गोलियां हैं इनको मैं पीस ली हूँ। और ये एक गोली है, काफी है 2 कप चाय के लिए, तो अब इसे मैं डाल रही हूँ। ये बिल्कुल खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, जैसे बिल्कुल तुलसी की जैसे आते हैं ना चाय में डालने के बाद उस वैसे आ रहे हैं, इसके बहुत ज्यादा आ रही है। तो मैं इसे अभी 1 मिनट के लिए बॉयल कर रही हूँ। ये देखिए काफी अच्छी खुशबू आ रही है। और ये चाय में ये खासियत है कि इसमें मैंने चाय पत्ती नहीं डाले, इसलिए ये चाय को बच्चे भी पी सकते हैं, बड़े भी पी सकते हैं, बूढ़े भी पी सकते हैं। तो आइए अब चाय पीते हैं। और इसमें चीनी भी नहीं डाले हैं, चीनी खाने से क्या होते हैं कि डायबिटीज होते हैं, तो आप बिना चीनी के ये गुड़ से बनाए हैं ये काढ़ा हमने तैयार किए हैं ये चाय। आइए गैस बंद कर रही हूँ और इसे छान लेती हूँ। इसमें नींबू डालती हूँ। ये देखिए हमारा चाय तैयार है। चलिए अब हम चाय पीते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। Thank you.